परचम, ये प्यारा परचम। Sesidenlerindir sesidir o, suskun dünyanındır sesidir o. जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी हम यहाँ रात को लेट पहुँचे थे, तो अभी जो है ना मैं आपको ये अपना कमरा दिखाता हूँ। ये होटल है, बड़ा खूबसूरत, बड़ी ज़बरदस्त जगह पर, और मैं फिर आपको नीचे का अभी जाकर व्यू करवाता हूँ। अभी हम निकल के कहीं जा रहे थे, तो मैंने सोचा जाते जाते आपसे ना थोड़ी सी बात हो जाए, तो अभी मैं आपको इसका व्यू करवाता हूँ। नंबर कमरा है हमारा, और ये बड़ी ही मुनासिब लोकेशन पर ये रूम है। आज हम इधर से मूव करेंगे दूसरी जगह पर। ये इसका बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा वॉशरूम है, और हर फैसिलिटी इसके अंदर मौजूद है। और ये जी मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ और प्रूफ करना चाहता हूँ कि कम बजट के अंदर इधर कैसा कमरा मिल जाता है। तो यह जी मुख्तसर सा टर्किश ड्रामा लगा हुआ है, और ये बाहर का व्यू है। और आपका अगर गौर करें तो वो सामने बिल्डिंग पर पाकिस्तानी और टर्किश का दोनों का झंडा लगा हुआ है। अभी मैं नीचे से जाकर आपको व्यू करवाता हूँ। ये लिफ्ट है, मैं लिफ्ट को प्रेस करता हूँ, तो अभी ये लिफ्ट ओपन हो गई है। तो ये जो हम अब नीचे जाएंगे, लिफ्ट को मैंने क्लोज़ कर दिया है, तो ये दिया होना लिफ्ट हमें नीचे लेके जा रही है। तो अब मैं आपको इस होटल का व्यू करवा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही शॉर्ट सा, आप देखते जाएं। ये लिफ्ट ओपन हो गई है, हम नीचे वाले फ्लोर पर बेसमेंट में पहुँच गए हैं। ये लिफ्ट ओपन, ठीक है जी। ये देखें जी मसाला बहुत ज़बरदस्त, इधर वो स्पा भी है नीचे, ये भी इन्होंने ऐड दी हुई है। ये सारी इनकी रिसेप्शन है, और ये देखते हैं जी, ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। ये व्यू है सारा, और ये मैं आपको ज़रा अंदर का व्यू भी करवाता हूँ। ये इनकी अंदर की रिसेप्शन है, और बहुत ही ज़बरदस्त लग्जरी होटल है। तो वो जो है ना, थैंक यू। और ये जी माशाल्लाह सारा होटल है, मैं बाहर का व्यू भी आपकी आपको करवाता हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। ओ बाय बाय बाय, थैंक यू। ये गेस्ट बैठे हुए हैं, ये छोटा सा डाइनिंग हॉल है, ये छोटा सा किचन भी है, और ये बाहर का मैं व्यू एक डोर से करवा के फिर दूसरी डोर से बाहर आता हूँ। ये है जी बाहर का व्यू, वो मेन रोड है उधर, जिसके साथ मरमरा पार्क, मरमरा मार्ट और मेट्रो बस स्टेशन भी है। दिल्ली दुजू इस इलाके का नाम है, और बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी पुरसकून जगह है। ये अंदर को रिहायशी एरिया है इसके अंदर, ये जिधर गाड़ियां जा रही हैं, और ये ज़्यादातर होटल्स की पार्किंग भी है, और जो रिहायशी लोग इधर रहते हैं उनकी भी ये पार्किंग है। और काफ़ी अच्छा माहौल है और एडवांस माहौल है। हम अब होटल के दूसरे दरवाजे से एंटर होते हैं, जहाँ से आए थे वहाँ से नहीं। तो ये सारा होटल है, और मैं होटल का भी आपको एक दफ़ा व्यू करवा दूँ। हमें तो माशाल्लाह ये बहुत पसंद आई है जगह, बहुत ही खूबसूरत है। हम तो दोस्तों को कहेंगे कि ये बड़ा ही मुनासिब रेट में इस्तांबुल में बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, इधर स्पा भी है, सब कुछ है। तो ये जी हम रिसेप्शन पर वापस आ गए, और अब मैं इसको आपको ये क्लिप बताता हूँ कि ये मेरा ही दिया हुआ गिफ्ट है। तो सैयद पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल की ये कोशिश है कि हम पाकिस्तानियत का प्रचार करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, मोहब्बत करवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, हम टर्की में एक बेहतरीन होटल में पाकिस्तान का झंडा लगवाने में कामयाब हो गए हैं। और ये मैं जो आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, तो इसमें आप देख लें कि ये कैसे हमने माशाल्लाह झंडा पाकिस्तान का
इधर ये होटल के जो ऑनर हैं उन्होंने ये झंडा लगाया है, उन्होंने ये मोहब्बत अपनी दिखाई है पाकिस्तान से। देखिए जी आपने किस तरह होटल आनर ने हमसे झंडा लेकर इधर लगा दिया और पाकिस्तान जिंदाबाद भी कहा। हमारी काविश, हमारी नीयत, हमारा नज़रिया कामयाब हो गया कि हम इस झंडे को जगह जगह लेकर फिरें और माशाल्लाह इसकी इज्जत और तकरीम करवाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद होता रहे। तो जिस तरह ये वैसे दोनों भाई हैं तुर्की और पाकिस्तान, उसका उस तरह देखें ये सिर्फ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल की काविश कि हमने इधर अपना झंडा लगा दिया। हाँ, पूरी दुनिया से कोई बंदा भी इधर गेस्ट आएगा तो जहाँ तुर्की का झंडा है वहाँ पाकिस्तान का झंडा भी देखेगा। इसके साथ अगली वीडियो तक ले जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।